दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे चैनल एस टी आर्ट्स में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई मूव लेके जिसका नाम है अपर अटैक। और अगर आप इस मूव को पूरी तरीके से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। पूरा देखोगे तो प्रॉपरली समझ पाओगे, नहीं देखोगे तो आधा अधूरा रहेगा, उसी हिसाब से रहेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेमो देखने के बाद आपको पता चली गया होगा कि मूव है कौन सी, और मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि प्रॉपरली बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखना। तो लाठी की मैक्सिमम साइज आपके कान के इक्वल, आपके हाइट के इक्वल होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो आप उस तरीके से फैला नहीं पाओगे, उस तरीके से वो मूव नहीं कर पाएगी। तो बेसिक आपको खड़ा इस तरह से होना है, फाइट पोजिशन जिसे हम बोलते हैं, इस पोजिशन में आपको खड़ा होना है। लाठी इस तरह से पकड़नी है और इस तरह से यहाँ पर रखनी है, इसको घुमाते हुए ऐसे ऊपर की ओर ले जाना, और फिर इस तरह से थोड़ा मैं और स्लो मोशन में बता देता हूँ आपको। इस तरह से रखनी लाठी आपको यहाँ पे, और इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से ऊपर की ओर लेके जानी है, और इस तरह से लेके आनी है। धीरे धीरे आप जैसे स्पीड इंक्रीज करोगे उस हिसाब से ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर से और बता देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देना। इस तरह से पकड़ना आपको लाठी को, ये सिंगल हैंड से है, एक हाथ से आपको करनी है। इस तरह से आपको पकड़ना है और यहाँ रखनी है, और इस तरह से सिर के ऊपर से पीछे की ओर लेके जाना है, और फिर इसे घुमाते हुए इस तरह लेके आना है, इस तरह और इस तरह से लेके आना। और धीरे धीरे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करोगे, बहुत फास्ट मूव है तो उस हिसाब से आप स्पीड इंक्रीज कर पाओगे अपने। इसी तरह से आप इस हाथ का यूज करके भी इस तरह से आपको चला सकते हो, इस तरह से। अभी तो मैंने आपको सिंगल हैंड की बताई, अब आप दोनों हाथों का मिक्स यूज करके इसे प्रॉपरली चला सकते हो। तो बेसिकली वहीं से चलेगी, स्टार्ट होगी यहाँ से। स्टार्ट करते हुए इस तरह से लेके जाना, इस तरह से। अब यहाँ से फिर इस तरह से लेकर आते हुए इस तरीके से दूसरे हाथ में इस तरह से, यहाँ से पीछे की साइड से बताता हूँ, आप पूरा पड़े समझ जाओ। इस तरह से लाठी को पकड़ना है, यहाँ से मूव करते हुए फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, बस रोक दे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, और दिल में आकर आपको कोई बात है तो वो कमेंट कर दो, और जो मेरे नए दोस्त अभी चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दो, और हैप्पी दिवाली।